अस्सलामुअलैकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, क्या आप भी मेरी तरह चाय और बिस्किट खाकर हो गए हैं बोर? शाम का वक्त हो और कुछ समोसे के अलावा बहुत इजी हो, मंच करने के लिए बहुत ही टेस्टी भी हो, ऐसा क्या रेसिपी हो सकता है? मैं तो चाय बिस्किट से बहुत बोर हो गई हूँ। जी रेसिपी बिल्कुल है, मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो चाय के साथ ना बहुत अच्छी लगने वाली है और वेरी क्विक एंड ईजी टू मेक है। क्या आप यकीन मानेंगी? नहीं ना, तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं आपको एक स्नैक के बारे में बताऊंगी जो चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे घर में सबका बहुत फेवरेट है, और बनाना जस्ट 5 मिनट्स। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स सब रेडी है, जस्ट 5 मिनट्स बहुत हो गया इस स्नैक के लिए, हार्डली 5 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इस बिस्किट को करिए बाय बाय, चलिए रेसिपी देखते हैं क्या है रेसिपी। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और ये बहुत लोगों को पता है, शाम के टाइम में ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैं किस रेसिपी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पफ राइस का चिपड़ा। बहुत जगह इसको मुरमुरा भी कहते हैं, बहुत जगह मुड़ी भी कहते हैं। इसका ना चिपड़ा बहुत ही ईजी बनने वाला है और इतना टेस्टी लगता है खाने के बाद, आप जरूर से ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद है ना, आप है ना, जब अगर बनेगा तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से टैग करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहीं कहीं पर मैंने मेंशन कर दिया है, इंस्टाग्राम में जरूर से मुझे शेयर करिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हो। मेरी चिकन 65 की रेसिपी बहुत लोगों ने ट्राई किया और मुझे इंस्टाग्राम में टैग किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस रेसिपी को भी ट्राई करिएगा, होप करती हूँ ये भी आपको उतना ही पसंद आने वाला है। बहुत लोग ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, इसको बनाने का मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत जो मसाले वाले ज़्यादा होता है, बहुत लोग इसमें आलमंड्स डालते हैं, काजू डालते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता है। बिल्कुल हल्का वाला जो होता है ना, एकदम सिंपल वाला, मैं वो वाला बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरे बच्चे भी वही बहुत पसंद से खाते हैं। तो आइए चल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्यूटीफुल सी नॉन स्टिक पैन, तो अब हम इसको डाल देंगे। अब हम फ्लेम को अच्छा जी हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन हो गई है, ठीक है। इसमें हमें डालना है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को गर्म होने देना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, और थोड़ा सा, इसमें ज्यादा ऑयल की नीड नहीं होती है बाय द वे। देखिए मैंने कितना थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस हमें इतना ही लेना है। तो जब तक ना ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसमें थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे, ज्यादा कोई तामझाम वाली नहीं है, आई विल शो यू इट। यस, तो तेल गर्म हो गया है बहुत अच्छे से। यस, तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल दिया है मैंने। अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा सेंग दाना ना, या मूंगफली भी कह सकते हैं, बहुत जगह से मूंगफली भी कहते हैं, तो मैं ये डाल दूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी ना टेस्ट बहुत अच्छी लगती है हमारे मुरमुरे के, जो कहते हैं ना चिवड़ा में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और एक बात खास ख्याल रखिएगा, आपको फ्लेम एकदम स्लो रखना है, ठीक है, एकदम स्लो फ्लेम में आपको बनाना है इसे। तो है ना, हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट करके लेना है। जब तक सेंगदाना रोस्ट हो रहा है, तो मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, या आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड सीड्स बहुत अच्छा लगता है अगर ये हो तो, ठीक है। अभी इसे अच्छे से हम फिर से तेल में अच्छे से भून के ले लेंगे। देखिए चटकारे आना शुरू हो गई है ना, बस अब हमारी जो सेंगदाना है ना बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसी में मैं डाल दूंगी तो मैंने इसमें रोस्टेड ड्रम स्टिक्स डाल दिए हैं। अब इसको भी मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो ना इस वक्त आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, पर मैं कड़ी पत्ता जनरली अवॉइड करती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ लाल मिर्च सारा, ठीक है, साबुत लाल मिर्च डाला है मैंने, देखिए ऐसे वाले डाले हैं मैंने, आप चाहे तो ये भी स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाले हैं ड्राई कोकोनट, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसी में मैं डाल दूंगी लहसुन भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके वाला बता रही हूँ, बहुत लोग अलग अलग टाइप के भी बनाते हैं,
तो मैंने ये सब डाल दिया है। बस इसे अब हल्के हाथों से ड्राई रोस्ट करना है। अगर आप चाहें तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया मैं कड़ी पत्ता नहीं डालती हूँ, बिकॉज अलैना अलीजा बहुत शौक से ये खाते हैं और कड़ी पत्ता बिल्कुल उन्हें नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद ऑनेस्टली। तो अभी से हमें थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो जी यहाँ पर है ना सब अच्छे से भून रहा है, तो इस वक्त है ना हम थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। हींग आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है जी। मैं इसमें थोड़ा सा ना हींग डाल दूंगी, असाफोटिडा थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना काफी है। चिटकी भरी डालना है हमें। अब इसको बहुत अच्छे से हमें रोस्ट करना है, जब तक के ना जो हमने सूखे नारियल डाले ना उसका कलर हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए, तब तक हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। और फ्लेम एकदम लो रखिएगा प्लीज, एकदम लो। चलिए जी, तो नारियल लेना अपना, सूखा नारियल लेना, अपना कलर बदल दिया है, बस हमें इतना ही चाहिए, इसे ज्यादा हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये ना जल जाएंगे और जले हुए बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके के मसाले होंगे। सबसे पहले नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाल दीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। मैंने नमक डाल दिया। अब इसी में मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर दीजिएगा, मैं बहुत थोड़ा डालूंगी, बस मुझे कलर चाहिए रेड चिली पाउडर का, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया अलैना अलीजा बहुत शौक से खाते हैं, अगर थोड़ी सी भी स्पाइसी होती ना वो लोग नहीं खाते। और इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी, एकदम थोड़ा सा हल्दी, बस कलर आने के लिए हमें चाहिए, तो मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने ना यहाँ पे पफ्ड राइस लिया है, ये है 200-300 ग्राम का पफ्ड राइस, तो मैं इसको ओपन कर दूंगी और सारे को मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, तो इसमें ना मैं थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, सौंफ रोस्टेड सौंफ है ये, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, बहुत अच्छा, जब आप मंच कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और इसी में मैं थोड़ा सा ना शुगर डाल दूंगी, मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप चाहे तो व्हाइट शुगर भी डाल सकते हैं, हम लोग ब्राउन शुगर यूज करते हैं, तो मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ इसमें। बस थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो ना जब मैं मिक्स कर रही थी मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो पॉट बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, तो मैंने पॉट को चेंज कर दिया है। अब इसको मैं आसानी से मिक्स कर दूंगी, बहुत ही हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है और ये बहुत इजीली भी मिक्स होता है। आप देखिए हल्के हल्के कलर चेंज हो रही है ना, मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना कलरफुल। अगर इसमें आप कड़ी पत्ता डालेंगे ना और कलरफुल लगेगा, पर मैं कड़ी पत्ता को अवॉइड कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पसंद उसकी टेस्ट। तो ये जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम करेंगे इसके साथ चाय की मज़े, बच्चे मेरे सो रहे हैं, चाय की मज़े। तो जी मेरी जो मुरमुरे का चिवड़ा है बन गया है, तो पहले मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसा बना है। शाबाश शरफात, शाबाश, बहुत ही अच्छा बना है। मैं अपनी से तारीफ करूंगी तो आपको लगेगा कह रही है तो झूठ बोल रही है, हमने थोड़ी ट्राई किया। अब बनाइए और ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद इंस्टाग्राम में जैसे कि मैंने बताया मुझे टैग जरूर करिएगा, बहुत अच्छा बना है। चलिए मैं तो अपनी चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ मेरा चिवड़ा, आहा मजा ही आ गया। आप भी जरूर से ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी जरूर से शेयर करिएगा, ये बहुत ही ईजी है, आपने देखा बहुत विद इन नो टाइम बन गया यार, एंड इट इज रियली वेरी यमी और आपके घर में सबको पसंद आने वाला है। तो इसी तरह से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो भी हो रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और मुझे सपोर्ट करिए और मुझे खूब आगे लेकर चलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।